हेलो माय फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिन, स्पायरन, हेमिस्पायरन, बाइनेप्थोल, बाइपेरोल, वो सब हमने कंप्लीट आरएस पढ़ लिया था, उसमें कैसे रूल्स दिए जाते हैं। अब ये कंसेप्ट आएगा, वो नया कंसेप्ट आएगा आपके लिए। अब हम पढ़ने वाला है जो है वो अनसा कंपाउंड पैरासाइक्लोफेंस एंड ट्रांसाइक्लोक्टेन पढ़ने वाले है। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनसा कंपाउंड पैरासाइक्लोफेंस एंड ट्रांसाइक्लोक्टेन। अनसा कंपाउंड पैरासाइक्लोफेंस एंड ट्रांसाइक्लोक्टेन, उसमें ये सब में क्या होता है भैया? ये सब में काइरल प्लेन होता है। आगे जो हमने पढ़ा था वो काइरल एक्सिस वाला पढ़ा था, इसमें जो होगा वो काइरल प्लेन होगा। इसमें काइरल प्लेन क्यों होता है, इसे क्यों कहा जाता है इसमें काइरल प्लेन होता है, वो सब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। वो टोपोसिटी कंसेप्ट में ये सब कुछ आएगा, कायरलिटी एंड एसिमेट्री कंसेप्ट में सब कुछ आ जाएगा। चलो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा पैरासाइक्लोफेंस अनसा कंपाउंड एंड ट्रांसाइक्लोक्टेन। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा अनसा कंपाउंड, अनसा नॉट हंसा। ये हैंडल वाला कंपाउंड होता है, इसमें हैंडल होता है, इसीलिए इसको अनसा कंपाउंड बोलते हैं। इसमें होता क्या है देख लीजिएगा, अनसा कंपाउंड में होता क्या है, ऐसी कोई रिंग दी जाती है और इसमें ऐसी कोई चेन दी जाती है। यहाँ पे मान लो CH2N, मतलब CH2 ऐसी कोई रिंग होती है। यहाँ पे मान लो वेज है, ये ऐसे होती है, ये ऐसे रिंग होती है। आधा पार्ट होता है वेज होता है, पीछे जो होता है वो डेस होता है। यहाँ पे मान लो कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया गया है आपको, यहाँ पे मान लो कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया है, इसमें प्लेन कैसे पास किया जाता है वो सब कुछ आएगा, इसमें प्लेन कैसे निकाला जाता है। दूसरी बात, चलो मान लो ऐसी कोई रिंग दी गई है आपको, यहाँ पे ये अनसा कंपाउंड में यहाँ पे कार्बन चेन दी गई है CH2CH2N, मतलब CH2CH2CH2 ऐसी कोई रिंग है। यहाँ पे वेज दिया गया है और यहां पे मान लो बीआर दिया गया आपको। इसका आरएस हम कैसे निकालते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इसमें हमें नंबरिंग देना है वो हैंडल को देना है, हैंडल के बाद हैंडल जहां पे अटैच है उसको देना है, थर्ड नंबर ग्रुप जहां पे अटैच है और फोर्थ नंबर ग्रुप को देना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर किसको देना है, हमें हैंडल को देना है, हैंडल के बाद हैंडल जहां पे अटैच है उसको देना है, उसके बाद ग्रुप जहां पे अटैच है उसको, और फोर्थ नंबर जो देना है वो हमें ग्रुप को देना है। फिर से सबसे पहले हमें हैंडल को देना है, हैंडल के बाद ये दो नंबर यहां पे हैंडल अटैच है, थर्ड नंबर ग्रुप अटैच है और फोर्थ नंबर ग्रुप। इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ये श्रावण मास जो चल रहा है, श्रावण महीना खबर है शिव जी की जिसमें पूजा होती है, वो श्रावण मास में आपको पता ही है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जो होते हो पूजनीय ब्राह्मण, ये ऐसे हैंडल कमंडल लेके जा रहे हैं, हैंडल ले उसमें वो फूल वगैरह उसमें भरा होता है, वो वैसा ही ये अनसा कंपाउंड होता है। इसमें फूल भर दो, ये हैंडल पकड़ लो और शिव जी की पूजा कर लो। शिव जी की यदि पूजा कर ली आपकी नेट क्लियर होगी ही होगी, सिर्फ पूजा करने से नहीं, पूजा करने के बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है, सवार से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, शाम तक कंटिन्यू पढ़ना है, उसमें ब्रेक भी मत लेना खाने के अलावा। चलो देख लीजिएगा अब इसका आरएस कैसे करना है, हमें हैंडल से स्टार्ट करना है रोटेशन और फोर्थ नंबर पे जाना है। कौन सा रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक हुआ, वो एस हुआ। हैंडल से स्टार्ट करना है 1 2 3 4, ये क्या हुआ भैया एस, बट इसका जो आंसर रहेगा वो आर रहेगा। क्यों इसने आंसर रिवर्स किया, फिर से मैं आपको इसका दो रूल्स बता दूं, इसका रूल समझ लीजिएगा, इसमें करना क्या होता है हमें देख लीजिएगा। यदि हैंडल, ये जो हैंडल होता है अप होता है, हैंडल यदि अप होता है तब आंसर एज इट इज रखना है, आंसर एज इट इज, जो भी आता है आर आता है फिर आर, एस आता है फिर आर। यदि हैंडल डाउन पे है, यदि हैंडल डाउन है फिर हमें आंसर रिवर्स करना है, यदि हैंडल अप है फिर आंसर एज इट इज, यदि हैंडल डाउन है फिर आंसर रिवर्स। देख लीजिएगा फिर से, ये दोनों कंपाउंड में देख लीजिएगा, इसमें हैंडल कहां है भैया, अप है इसलिए इसका आंसर एज इट इज रखा, इसमें हैंडल कहां पे है, डाउन पे है, इसलिए इसका आंसर हमने रिवर्स कर दिया, एस आता है फिर आर, आर आता है फिर एस।
सो आपको पता होना चाहिए कब हमें आंसर रिवर्स करना है, कब हमें आंसर एज इट इज रखना है। मान लो आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है भैया, इसमें सिर्फ हैंडल कहाँ पे है वो ही देखना है, हैंडल अप है या तो डाउन पे है। यहाँ पे CH2N ये पूरी कार्बन चेन है, ये इस साइड मान लो OME दिया गया आपको, इस साइड मान लो OME ऐसा कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपको पता ही है ये वेज वाला पार्ट होता है। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल मान लो ऐसी रिंग दी गई है और हैंडल यहाँ पे दिया गया है आपको, ये हैंडल दिया गया है, OME यहाँ पे है मान लो, ये वेज वाला पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपको पता ही है, फर्स्ट नंबर किसको देना है हमें, फर्स्ट नंबर हमें किसको देना है भैया, यस हैंडल को देना है। दूसरा नंबर इसको देना है, तीसरा नंबर इसको देना है, फोर्थ नंबर ग्रुप को देना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर किसको देना है, यस सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमें जो देना है वो हैंडल को देना है, दूसरा नंबर इसको देना है, तीसरा नंबर इसको देना है और फोर्थ नंबर ग्रुप को देना है। फर्स्ट हैंडल, दूसरा हैंडल जहां पे टच है वो उसको, तीसरा नंबर ग्रुप जहां पे टच है वो, और फोर्थ नंबर ग्रुप को। अब इसका रोटेशन कौन सा रोटेशन हुआ भैया, आर, आंसर आर का आर ही रहेगा। क्यों भैया आर का आर ही, क्योंकि हैंडल अप है। इसका रोटेशन क्या हुआ भैया, आर, बट आंसर यस यस। क्यों भैया आंसर रिवर्स किया, क्योंकि इसमें हैंडल डाउन पे है, इसलिए इसका आंसर हमने रिवर्स किया। अब तो पता चल गया होगा कब आंसर हमें एज इट इज रखना है, कब हमें आंसर रिवर्स करना है। चलो मान लो ऐसा दिया गया है आपको एग्जांपल, यहाँ पे अप में हैंडल है CH2N, यहाँ पे वेज, यहाँ पे मान लो आपको कोई ग्रुप दिया गया है। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे मान लो रिंग है, हैंडल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मान लो वेज है और ग्रुप आपको यहाँ पे दिया गया है। चलो सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर किसको देना है भैया, यस हैंडल को, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर यहाँ पे और फोर्थ नंबर ग्रुप को। सबसे पहले फर्स्ट नंबर हैंडल, दूसरा नंबर यहाँ पे, तीसरा नंबर यहाँ पे, फोर्थ नंबर इसको। चलो एक से दो तरफ जाना है, रोटेशन का हुआ भैया आर ना, आंसर एज इट इज। इसमें रोटेशन क्या हुआ, आर, बस आंसर क्या आएगा भैया एस। क्यों आंसर ही बस क्या, क्योंकि हैंडल डाउन पे है, इसलिए। ये जो सारे हो गए वो अनसर कंपाउंड के आरएस हो गए। अब हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे पैरासाइक्लोफेंस के, अब हमें जो पढ़ना है वो पैरासाइक्लोफेंस के पढ़ेंगे। चलो हेडिंग लगा दीजिएगा, ये आज कोई नया। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दो आप, पैरासाइक्लोफेंस, पैरासाइक्लोफेंस, पैरासाइक्लोफेंस उसमें होता क्या है। पैरासाइक्लोफेंस जो होता है उसमें दो रिंग होती है और दोनों रिंग एक दूसरे के साथ जो अटैच होती है वो पैरा पैरा पोजिशन से, इसकी ये दोनों की पैरा पोजिशन होती है, ये दोनों की पैरा पोजिशन होती है, इसलिए इसको पैरासाइक्लोफेंस बोला जाता है। यहां पे ये वेज वाला पार्ट है, यहां पे भी ये वेज वाला पार्ट है, इसमें कितने प्लेन होते हैं, इसकी टॉपोसिटी क्या होती है वो भी कंसेप्ट आगे आएगा, इसमें कितने प्लेन होते हैं वो भी कंसेप्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलो ये हो गया पैरासाइक्लोफेंस। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, अभी इसमें ग्रुप अटैच करना बाकी है भैया, मगर पहले कंसेप्ट समझ लीजिएगा, मगर कंसेप्ट समझ लीजिएगा इसमें दोनों में होता क्या है। ये हो गया वेज पार्ट, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसका आरएस करना बहुत इजी रहेगा भैया। चलो देख लो, सबसे पहले ये दोनों को हम पैरासाइक्लोफेंस बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों में, क्योंकि ये दोनों में पैरा पैरा पोजिशन से ही अटैच है ये सब। अब मान लो यहां पे कोई आपको ग्रुप दिया गया है बी आर, और यहां पे मान लो आपको ग्रुप दिया गया है बी आर, दोनों में ही दिया जाता है, दोनों में दिया जाता है, वो भी एग्जाम्पल में आपको कराऊंगा। इसका हमें आर एस यदि पूछा जाए फिर इसका आर एस कैसे करना है, इसका यदि आर एस पूछा जाए फिर इसका आर एस हमें कैसे करना है। दूसरी बात, वो आगे हमने जो पढ़ा था ना, आगे कौन से आए थे भैया, ये जो पैरासाइक्लोफेंस के पहले आया था अंसा कंपाउंड,
इसमें यदि 3D की बात करें, इसमें यदि 3D की बात करें हम, यह कंसेप्ट में यदि हम 3D की बात करें, फिर इसमें हमें जो देखना होता है, ये कंपाउंड को देखा जाता है, वो ये RS ये कैसे निकाला जाता है, वो 3D में यदि देखना है, ऐसा कहा जाता है जिस साइड हैंडल होता है वहां से हमको ये कंपाउंड देखना होता है, जिस साइड हैंडल होता है उस साइड से हमें ये कंपाउंड देखना होता है, जहां पे हैंडल है वहां पे देखना है। यदि हैंडल ऊपर से ही देखना है, इसका रोटेशन कैसे निकल जाए, ऐसे ऊपर से ही देखना है, इसका रोटेशन कैसे निकल जाए, यदि ऊपर, फिर ये ऊपर से देखना है, इसका रोटेशन कैसे है, वो 3D की बात है। जब आप ऑफलाइन में आओगे वो उसमें आपको 3D भी में समझाओगे इसमें कैसे ये आर होता है, कैसे ये एस होता है, मगर उसकी जरूरत नहीं होती भैया। चलो इसकी बात करें हम, ये पैरासाइक्लोफेंस की बात करें हम, इसमें भी ऐसा होता है। यदि आपको ये वाला देखना है, इसका यदि आरएस करना है, फिर आपको जो ये कंपाउंड देखा जाता है वो कहां से देखा जाता है भैया, वो जो कंपाउंड है इसका आरएस है वो ऊपर से देखा जाता है। यदि डाउन रिंग इसकी हमें आरएस निकालनी है, फिर इसको ऊपर से देखा जाता है, और यदि ये वाली रिंग की आरएस हमें देखनी है, इसकी आरएस करनी है, फिर इसको हमें यहां से देखा जाता है, यहां से डाउन से देखा जाता है। अच्छी आंख आई ड्रॉ करना भैया, कोडा जो ड्रॉ करता नहीं। चलो देख लीजिएगा, ये हम, ये तो हो गया 3D, ये समझना है भाई आपको कहां से देखा जाता है, वो समझने की जरूरत भी नहीं है, आपको रूल्स पता होना चाहिए। हमें फर्स्ट नंबर किसको देना है, ये हैंडल को, दूसरा नंबर हैंडल लेटेस्ट है वहां, तीसरा नंबर इसको और फोर्थ नंबर इसको, कौन सा रोटेशन हुआ भैया, एस, इसमें आंसर एज इट इज रखना है, इसमें आंसर एज इट इज रखना है। ये अंसा कंपाउंड जैसे करते थे ना भैया, वैसे ही पैरासाइक्लोफेंस का करना है। कैसा है, यदि ये रिंग हमें सोल्व करनी है ना, ये रिंग, फिर हैंडल ऊपर को लेना है, ये इसको हैंडल मान लो, इसको सोल्व करना है, फिर इसको हैंडल मान लो, ऊपर वाली रिंग को सोल्व करना है, फिर हैंडल इसको मान लो। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि इसको सोल्व करना है ऊपर वाली रिंग को, तब हैंडल नीचे वाली रिंग को ले लेना, नीचे वाली रिंग को सोल्व करना है, फिर हैंडल ऊपर वाली रिंग को ले लेना। इसका मीनिंग क्या हुआ भैया, इसका मीनिंग ऐसा हुआ, जब हम डाउन रिंग सोल्व कर रहे हैं तब आंसर एज इट इज रहेगा, मगर अप रिंग जब सोल्व कर रहे हैं, हम मान लो इसको सोल्व कर रहे हैं 1 2 3 4, इसका रोटेशन रहेगा एस, बट आंसर रहेगा आर। फिर से मैं आपको यहां पे लिख ही देता हूं, डाउन रिंग को यदि सोल्व करना है, डाउन रिंग, यहां पे डाउन रिंग के बाद, तब इसका आंसर एस इट इज रहेगा, इसका आंसर एज इट इज रहेगा। मगर यदि आपको अप रिंग सोल्व करनी है, यदि आपको अप रिंग सोल्व करनी है, तब इसका आंसर रिवर्स करना है, आंसर इसका रिवर्स करना है। फिर से देख लीजिएगा यहां पर, यह दोनों आपको दिखा दे रही है रिंग, यदि आपको डाउन रिंग सोल्व करनी है, तब इसका आंसर एज इट इज आर आ रहा है आर, एस आ रहा है एस, यदि अप रिंग को सोल्व करना है, तब उसका आंसर रिवर्स करना है, एस आ रहा है बट आर आ रहा है बट एस, जैसी रिंग सोल्व करनी है वैसे आपको आंसर पता होना चाहिए। चलो यदि दोनों के दोनों रिंग में, यदि दोनों में आपको दिया गया है, देख लीजिएगा ये अप रिंग है, ये डाउन रिंग है, ये पैरासाइक्लोफेंस हो गए भैया, यहां पे वेज, यहां पे भी वेज, मान लो यहां पे बियर दिया गया है, यहां पे भी बियर दिया गया है, आपको इसको सोल्व करना है, पहले डाउन रिंग सोल्व कीजिएगा, यह हैंडल को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, रोटेशन कौन सा हुआ भैया, आर, आर का आर ही रहेगा, यहां पे फर्स्ट, यहां पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रोटेशन कौन सा हुआ, आर, बट आंसर आएगा यस, क्योंकि इसको सोल्व करते हैं तब आंसर एज इट इज रहेगा, इसको सोल्व करते हैं तब आंसर रिवर्स रहेगा। डाउन रिंग का आंसर, डाउन रिंग को सोल्व करना है तब हैंडल ऊपर वाला ले लीजिएगा, ऊपर का जब सोल्व कर रहे हो तब हैंडल नीचे का ले लीजिएगा। चलो आप इसको सोल्व करके दिखाए मुझे, यदि आपको एग्जाम में ऐसा पैरासाइक्लोफेंस दे दिया गया है, भैया दो बार पूछा है पैरासाइक्लोफेंस नेट में, दो बार पूछा गया है, ये एक बार इसका आरएस पूछा गया था, एक बार इसकी टोपोसिटी पूछी गई थी, टोपोसिटी अगले लेक्चर में आएगी, टोपोसिटी किसको बोलते हैं। यहां पे मान लो कोई ग्रुप दिया गया है,
यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप दिया गया है, इसका हमें आरएस निकालना है। चलो इसको जब सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 रोटेशन कौन सा रहेगा, एस, आंसर एज इट इज रहेगा। इसको 1 2 3 4 इसका रोटेशन आर, बट आंसर एस रहेगा क्योंकि अपर रिंग को आपको जब सॉल्व करें तब उसका आंसर रिवर्स करना है। इसके बाद चलो इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा ट्रांससाइक्लोक्टीन। ये पैरासाइक्लोफेंस के बाद ट्रांससाइक्लोक्टीन। आपको पता ही है भैया, मैंने एक बार आपको ये स्टीरियो केमिस्ट्री में ही करवाया था, फिर से मैं आपको ये रिवीजन करवा देता हूँ। यदि 3 मेंबर में डबल बॉन्ड है, 4 मेंबर रिंग में भी डबल बॉन्ड है, 5 मेंबर रिंग में भी डबल बॉन्ड है, 6 मेंबर रिंग में भी डबल बॉन्ड है और 7 मेंबर रिंग में भी डबल बॉन्ड है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर एंड 7 मेंबर रिंग, चलो इसमें सब में डबल बॉन्ड है, फिर आपको पता होना चाहिए ये सारी की सारी रिंग में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। 3 मेंबर से लेकर 7 मेंबर तक सिर्फ और सिर्फ सिस ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। मगर ये जो 8 मेंबर रिंग होती है, 8 मेंबर रिंग को आपको पता होना चाहिए इसमें सिस एज वेल एज ये ट्रांस, ये दोनों ही पॉसिबल है। अब आपने तो सीस ट्रांस पढ़ ही लिया भैया, इसलिए आपको पता ही होना चाहिए किसको सीस बोलते हैं किसको ट्रांस बोलते हैं। चलो ये हो गया ट्रांस डबल बॉन्ड, आपको दिखाई दे रहा है इसमें ट्रांस डबल बॉन्ड है, ये इतना ही पार्ट देखिएगा, इतना ही पार्ट देखिएगा आप, ये दिखाई दे रहा है आपको ये ट्रांस, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया ट्रांस डबल बॉन्ड। दूसरा ये भी ट्रांस ही है, ये मान लो यहां पे आ रहा है, ये दोनों में फर्क क्या है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों में फर्क क्या है भैया, ये दोनों में डिफरेंस क्या है देख लीजिएगा। पहले इसमें जो डबल बॉन्ड है वो वेज पे आ रहा है और इसमें जो डबल बॉन्ड है, इसमें जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो कट हो गया, मतलब वो डेस पे है, डेस पे है मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये है टुवर्ड्स द व्यूअर और वो है अवे फ्रॉम द व्यूअर। फिर से मैं ये आपने आपको मैंने करवाई दिया था, यदि आपको याद है ये सारे कंसेप्ट आ गए थे भैया पहले। 8 मेंबर से सीस भी पॉसिबल है और ट्रांस भी पॉसिबल है, ये सीस एक ही पॉसिबल है मगर ट्रांस जो होते हैं वो दो पॉसिबल होते हैं, इसलिए ट्रांस, ये यदि आपको साइक्लोक्टीन के आइसोमर पूछे गए हैं, साइक्लोक्टीन के आइसोमर पूछे गए हैं, फिर एग्जाम में आपको कितने टिक लगाना है, 3 टिक लगाना है। साइक्लोक्टीन के जो आंसर रहते हैं वो 3 आंसर होते हैं। एक बार गेट में पूछा गया था हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आइसोमर पॉसिबल ऑफ साइक्लोनोनिन, साइक्लोनोनिन के कितने आंसर टिक लगाने थे आपको, 3 आंसर टिक लगाने थे, साइक्लोनोनिन के आंसर जो होते हैं वो 3 आंसर होते हैं। अब इसका आरएस कैसे निकाला जाता है देख लीजिएगा, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका आरएस कैसे निकाला जाता है। ये मैं पहले आपको ट्रांस साइक्लोक्टीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा ट्रांस साइक्लोक्टीन, ऐसे दो स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। ये हो गया भैया ट्रांस साइक्लोक्टीन, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है यह सिंगल बॉन्ड जो है ना, सिंगल बॉन्ड, यह सिंगल बॉन्ड कट हो रहा है, कट हो रहा है मींस वो पीछे की साइड है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो कहां पे है, टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये डबल बॉन्ड जो है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है। चलो ये दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं इसका, इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है देख लीजिएगा, इसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो आगे है और ये डबल बॉन्ड जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ये भी हो गया भैया ट्रांस साइक्लोक्टीन, ये दोनों में फर्क आपको पता चल गया होगा, ये जो वाला है उसमें डबल बॉन्ड आगे है, ये जो वाला है वो डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कट हो गया मतलब डबल बॉन्ड पीछे की साइड है। अच्छी तरह से फुली कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िएगा इसमें दोनों में डिफरेंट क्या होता है और आरएस में कैसे निकाली जाती है इसके देख लीजिएगा। और मैं आपको एक ये करवा दूँ पहले, इसमें
नंबरिंग कहां पे दी जाती है। मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सीन, इसमें नंबर आपको पता है डबल बॉन्ड से स्टार्ट की जाती है, वन नंबर यहां पे दे दिया, फिर दो नंबर हम यहां पे नहीं दे सकते, यह गलत हो जाएगा भैया। फिर हमें दो नंबर कहां पे देनी है, सबसे पहले वन नंबर यहां पे दे दिया, फिर दो नंबर हमें डबल बॉन्ड कंप्लीट ही करना है, फिर तीन नंबर यहां पे, चार नंबर यहां पे, पांच नंबर यहां पे, सिक्स नंबर यहां पे, ऐसे नंबर दी जाती है। और दूसरी बात, मान लो वन नंबर यहां पे नहीं देनी हमें, वन नंबर यहां पे देनी है, फिर दो नंबर कहां पे दी जाती, यहां पे नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती यहां पे, क्योंकि डबल बॉन्ड हमें कंप्लीट करना होता है, इसलिए इस साइड से नंबर देना है हमें। फिर चलो, फिर इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा देख लीजिएगा। फिर से ये दो कंपाउंड ले लेता हूं मैं, इसमें यदि नंबर देने की बात आई है तो कहां से नंबर देनी है, हमें नंबर जो देनी है वो डबल बॉन्ड से यहां पे नंबर देनी है। यदि वन नंबर यहां पे दे दिया, फिर दो नंबर यहां पे आएगा, तीन नंबर यहां पे आएगा, चार नंबर यहां पे, पांच नंबर यहां पे, छह नंबर यहां पे, सात नंबर यहां पे, और आठ नंबर यहां पे आएगा। ऐसे नंबरिंग आएगी भैया, ऐसे नंबरिंग आएगी। इसमें भी यदि डबल बॉन्ड को वन नंबर यहां पे दिया, फिर डबल बॉन्ड को ही कंप्लीट करना है, तीन फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ऐसे नंबरिंग दी जाती है। दूसरी बात, इसमें ये जो हाइब्रिडाइजेशन है सिक्स नंबर का कार्बन का वो एसपी थ्री है, सेवन नंबर का भी एसपी थ्री है, एट नंबर का भी एसपी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया, अच्छी तरह से देखना है इसका आरएस कैसे किया जाता है। और ये वन नंबर है उसका एसपी टू रहेगा, इसका सिर्फ एसपी टू रहेगा। इसमें इस साइड भी आप सोल्व कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। चलो, इसमें सिक्स नंबर है उसका एसपी थ्री रहेगा, इसका एसपी थ्री रहेगा, इसका भी एसपी थ्री रहेगा, मगर इसका एसपी टू रहेगा। इसके रूल्स पहले लिख लीजिएगा, मैं इसके रूल्स आपको बता रहा हूं, सबसे पहले रूल्स लिख लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें आपको आरएस करनी है। सबसे पहले रूल्स लिखिएगा, मूस एसपी थ्री टू एसपी टू, मूस एसपी थ्री टू एसपी टू, कहां से मूस करनी है, एसपी थ्री कार्बन से लेके एसपी टू कार्बन तक हमें मूस करनी है। दूसरी बात, सेकंड, इफ डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर, इफ डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर देन आंसर एज इट इज, इफ डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर देन आंसर एज इट इज, यदि डबल बॉन्ड डैश में है तब आंसर एज इट इज रखना है हमें। दूसरी बात, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस, इफ डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर, इफ डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर इन ब्रैकेट लिख दीजिएगा वेज, देन आंसर रिवर्स, देन आंसर रिवर्स। यदि डबल बॉन्ड टूवर्ड्स द व्यूअर है, मतलब वेज में है, तब हमें आंसर रिवर्स करनी है। सिर्फ इतना ही याद रखना है। और मैंने जो पहला सेंटेंस लिखा है ना, sp3 to sp2, उसको ऐसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नीचे एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, वो फर्स्ट वाला है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूव्स नॉन प्लेनर टू प्लेनर, मूव्स नॉन प्लेनर, उसके ब्रैकेट में लिखिएगा sp3, sp3 नॉन प्लेनर ही होता है ना, मूव्स नॉन प्लेनर टू प्लेनर, प्लेनर के इन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा sp2, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्लेनर होता है, sp3 जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है। हमें रोटेशन जो करना है वो नॉन प्लेनर टू प्लेनर, मतलब sp3 से लेके sp2 तरफ जाना है, ये sp3 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 sp2 तरफ जाना है। ये कौन सा रोटेशन हुआ भैया, ये r रोटेशन हुआ, मगर इसका जो आंसर रहेगा वो s रहेगा। क्यों भैया आंसर रिवर्स किया, क्योंकि आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वेज में है, हमें पता कैसे चलता है ये डबल बॉन्ड वेज में है, यहाँ पे कट कौन हुआ, कट सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे कट कौन हुआ, अच्छी तरह से देख लेना, कट जो है वो सिंगल बॉन्ड हुआ है, इसलिए उसका मीनिंग ये हुआ, ये डबल बॉन्ड है कहाँ पे आ रहा है, ये डबल बॉन्ड है वो वेज पे आ रहा है। ये ऐसा डार्क यदि आपको एग्जाम में नहीं दिया है, फिर भी आपको वो कट कौन हो रहा है उससे पता चलना चल जाएगा। देख लीजिएगा, ये इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। यदि आपको ये डार्क नहीं दिया गया है एग्जाम में, फिर भी आपको पता चल जाएगा इसमें से कौन कट हुआ। यहाँ पे वेज कौन है भैया, यहाँ पे जो वेज है ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे जो वेज है वो सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कट हो रहा है इसलिए वो डबल बॉन्ड डैश पे है। आपको वैसे पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा है वो वेज है और कौन सा है वो डेज है। चलो दूसरी बात, इसमें देख लीजिएगा,
यहां पे भी sp3 से हमें sp2 तरफ जाना है, sp3 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 sp2, मतलब नॉन प्लानर टू प्लानर। कौन सा रोटेशन है भैया? आर रोटेशन है, यस। और आर का आर ही रखना है। क्यों आर का आर ही रखना है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो डैश पे है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, इसलिए इसका आर का आर है। इसका भैया आ गया एस, मैं आर बट एस का आंसर फाइनल एस है ना, इसलिए इसको मैं सिर्फ एस लिखता हूँ यहाँ पे। ये वाला कंपाउंड है उसका रोटेशन एस है, ये वाला जो कंपाउंड इसका रोटेशन आर है। इसलिए आपको बता दूं मैं, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है वो पेयर ऑफ इनांसियमर का होता है। ये दोनों क्या है भैया? पेयर ऑफ इनांसियमर है। यहाँ पे मेरे लगा ये ऐसे मैच नहीं होगा, ऐसे मैच नहीं होगा। एक्चुअली 3D में देखा जाए तो ये कंपाउंड को उठा के यहाँ पे लिखो, ये जो कंपाउंड है उसके सेम आगे लिखो, और मिरर यहाँ पे लिखना है हमें। मगर ये दोनों के बीच में रिलेशन पेयर ऑफ इनांसियमर कैसा है, अभी आपको सिर्फ आर और एस से ही आपको निकालना है। मैं ये ऑनलाइन में भी आपको 3D में दिखाऊंगा इसका रिलेशनशिप क्या होता है, वो एक पूरा का पूरा कंसेप्ट आएगा, रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कंपाउंड्स, रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कंपाउंड्स, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट आएगा। और दूसरी बात, कल हम कन्फॉर्मर पढ़ने वाले हैं, सारा जो हमने वेजडेज पढ़ा था, फिशर पढ़ा था, वो सर कन्फॉर्मर में इंटर कन्वर्जन ऑफ कन्फॉर्मर वेज, वो वेज डैश हमने पहले एक कन्फॉर्मर पढ़ लिया था, आपको यदि पता है इंटर कन्वर्जन का, वेज डैश टू फिशर और टापली रूल्स वाला। वैसे ही कल हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूमान से सोहर, सोहर से फिशर, फिशर से वेज डैश, वेज डैश से न्यूमान, वो सारा सारा इंटर कन्वर्जन आएगा। इसलिए अगले लेक्चर में कल आपको क्या करना है भैया, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, कल आपको इंटर कन्वर्जन पढ़ना है। उससे पहले आपको वो सारे कंपाउंड के जो मैंने फिशर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी, वो वेज डैश पढ़ाया था, वो न्यूमान, सोहर, सो सारे के सारे एक बार रिविजन कर लीजिएगा। रिविजन करने के बाद ही अगला लेक्चर देखिएगा, अगला लेक्चर तब ही आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा भैया। चलो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया पेयर ऑफ इनांसियमर का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसका ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं। चलो एक काम कीजिएगा, मुझे ये सोल्व करके दिखाइएगा, आपको मुझे ये सोल्व करके दिखाना है इसका आरएस क्या आता है। चलो इसका आंसर निकालिएगा, दूसरा भी एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। चलो यहां पे मान लो ऐसा है कुछ, यहां पे डबल बॉन्ड दिए गए हैं, यहां पे मान लो भी डबल बॉन्ड दिया गया है, एक ही डबल बॉन्ड है मगर वो कट होके आ रहा है भैया, ये दोनों एक ही बात है मगर ये कट होके आ रहा है। चलो ये दोनों का मुझे आरएस चाहिए, ये दोनों के आरएस क्या रहेगा? सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं। चलो पहले देख लो, यहाँ पे है sp3, यहाँ पे भी है sp3, यहाँ पे भी है sp3 और यहाँ पे sp2। आपको रोटेशन sp3 से sp2 मतलब नॉन प्लानर टू प्लानर जाना है, कौन सा रोटेशन हुआ भैया? s। मगर जो इसका आंसर रहेगा, बट आंसर रहेगा r। क्यों भैया आंसर रिवर्स किया? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड वो टूवर्ड्स द व्यूअर, मैं इतना इसलिए कट कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ये जो डबल बॉन्ड है उसके पीछे ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है उसके पीछे ये सिंगल बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है आपको? ये कट हो गया, ये सिंगल बॉन्ड कट हो गया, वो दिखाई दे रहा है? चलो इसमें यहाँ पे जो है इसका रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका रहेगा sp3, इसका रहेगा sp3, इसका रहेगा sp3। कहाँ से कहाँ मूव करना है आपको? sp3 से sp2 को रोटेशन करना है। इसका क्या रहेगा भैया? यस, एस रहेगा। और आंसर एज इट इज, क्यों एज इट इज? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कट हो गया, वो टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द व्यूअर है, इसलिए इसका आंसर एस रहेगा। अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा भाई ट्रांस साइक्लोप्टीन का कैसे किया जाता है। चलो दो एग्जांपल और भी मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे दोनों के दोनों को सॉल्व करके दिखाएगा, और दो एग्जांपल देता हूँ उसको सॉल्व करके दिखाएगा। मान लो एग्जाम में आपको ऐसे दिया गया है, इसमें कौन कट हो रहा है वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया, इसमें कौन कट हो रहा है देख लेगी क्या?
ठीक है भैया। चलो और एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसको भी आपको सॉल्व करना है। चलो ये दोनों के दोनों का आंसर मुझे बता दीजिए, इसके आंसर क्या रहेगा। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। कहां से कहां पे मूव करना है? नॉन प्लैनर टू प्लैनर, sp3 से sp2। कौन सा रहेगा इसका रोटेशन? s। बट आंसर क्या रहेगा भैया? r। क्यों आंसर रिक्वेस्ट किया हमने? क्योंकि डबल बॉन्ड है टुवर्ड्स व्यूअर, ऐसे लिया। चलो इसका sp3 और इसका sp2। चलो देख लीजिएगा, यहाँ पे sp2 रोटेशन कैसे है? sp3 से sp2, नॉन प्लैनेट हो प्लैनर। यस, आंसर कौन सा रहेगा भैया? s। क्यों आंसर s? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द वियर है, डैश पे है, इसलिए इसका आंसर रहेगा s रहेगा। अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा भैया दोनों में कौन सा आंसर रहेगा, वो आपको कब हमें एस करना है, कब हमें आर करना है, वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ये हुआ अनसा कंपाउंड, पैरासाइक्लोफेंस और ट्रांससाइक्लोक्टिन का ये सारा जो आरएस नोमेनक्लेचर। अब आरएस नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, सबके सब का आरएस नोमेनक्लेचर हमने कर दिया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरग्रेनुलर सब कन्फर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भैया। उसमें आपको आगे मैंने फिर से मैं बता दूँ, आगे फिशर, न्यूमैन, सोहर, वो सब मैंने कराया था, वो सब अच्छी तरह से पढ़ के आएगा। यदि अच्छी तरह से पढ़ के नहीं आ रहा हो भैया, कल आपको लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम इंटर कन्वर्जन ऑफ कन्फर्मर में।